मोदी तो ऐसा कर दिया किसका क्या कहते बंद रहो घर के अंदर घुसे रहो बाहर मत निकलो गरीब को मिलता खाली घंटा कहलाते रहो घंटा मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बीच में मर रहे हैं। कोरोना वायरस के आतंक से कोई घरों में कैद होने पर मजबूर है तो कोई बाजार खुलते ही राशन खरीदने को बाजारों की ओर दौड़ लगा रहा है। कहीं मजदूर लोग रोजगार को तरस रहे हैं तो कहीं भूखे प्यासे लोग दो वक्त के भोजन के लिए तरस रहे हैं। हम आपको मथुरा के कुछ ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर सरकार और सरकारी मशीनरी पर भले ही कोई असर ना पड़े लेकिन आपको विचलित जरूर कर सकते हैं। ये दृश्य मथुरा के भूतेश्वर फायर स्टेशन के निकट के हैं जहां ब्रज दर्शन को आए संत को 3 दिन से भोजन नसीब नहीं हुआ। हम साहब अभी गए थे भोजन लेने के लिए कर्मचारी कुछ भोजन बांट रहे हैं तो गए तो उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई भोजन खत्म हो गया और झुग्गियों में भोजन बांटा साहब जो बना के खा सकते हैं उनके लिए भोजन बांट रहे हैं। मैं परदेसी आदमी यहाँ पड़ा हुआ हूँ फरक्काबाद का रहने वाला हूँ कोई साधन नहीं मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं जो मैं कहीं जाऊँ सबसे भूखे हूँ। मैं साहब कल से पड़ा हुआ हूँ कल से तो मेरे रोटी नहीं मिली हमको दोनों को हम दोनों मर्द भैया हैं हमारी बीवी साथ में किस लिए आए थे हम यहाँ दर्शन मेले के लिए आए थे कि साहब दर्शन करने के लिए आए हम अब आगे के लिए हमको कोई साधन ही नहीं है तो हम जाएँ कहाँ साहब। कितने परिवार के लोग हैं तुम्हारे? हम परिवार के 2-3 बच्चे हैं हमें बस मियां बीवी आदमी हैं तुम्हारे? आदमी हैं। तो क्या कर रहे हैं? आदमी यही काम करते गाड़ी में जो कूड़ा उसमें पैसे नहीं 2-3 महीना पैसे नहीं मिले प्यासे मरे। इसी से चंद कदम दूर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन गरीब मजदूर परिवारों के हैं जो कूड़ा कचरा मजदूरी कर अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अचानक हुए लॉकडाउन के कारण ये परिवार अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी ना कर सके और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोजन तो उपलब्ध कराया गया लेकिन मात्र 2-2 पूड़ियां देकर पेट की आग को शांत करने का प्रयास किया गया जो इनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कुछ भी ना घर में मर जाए तो कफन को भी ना निकले और क्या अभी चुक्की वैसे ही चला चला दी है देखो चुक्की वैसे ही चला दी है देखो कितना चल रहा ऊपर भी चुक्की चल रही बताओ हम गरीब आदमी मरे तो मरे कैसे मरे बताओ कैसे मरे मोदी तो ऐसा कर दियो किसका क्या कहते बंद रहो घर के अंदर घुसे रहो बाहर मत निकलो बच्चे अब जब बाहर नहीं निकलेंगे रोज के कुआं खोदने वाले रोज के खाने वाले कहाँ खाएंगे कहाँ जिएंगे हम लोग बताओ क्या करा जाए भाई साहब। मोदी तो ये भी नहीं कह रहा कि जिनके पास धन भरा हुआ था उनको तो भेज रहा चीनी चाय पत्ती आटा चावल सब भेज रहा हम गरीब आदमी क्या खाए मिट्टी खोद खोद के खावे बच्चन को मिट्टी खोद खोद के खिलावे कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास तो वो बैंक का खाता पाता है नहीं जो गरीब आदमी हम लोग खाता पाता खुला में रोज कबाड़ा बीनते तो खाते थे वो कबाड़ा भी बंद हो गया ना बाहर निकलेंगे ना बीनेंगे ना बेचेंगे ना बच्चों का पेट भरेंगे हम लोग बताओ क्या करें। जो हमारे घर में राशन था वो भी जल गया जो हमने अपने पैसों से मेहनत करके रखा था ना वो भी सब जल गया हमारी चुक्की भी जल गई पानी गिर रहा तो बाहर बैठ रहे हैं बताओ मोदी तो कह दिया भाई साहब कि तुम घर ही घर में रहो घर में बीमारी तो बाद में मारेगी भूख प्यास से ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे भूख प्यास से को देखो हमारी स्थिति देखो हमारे यहाँ बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब गंदगी से हर बात से पानी से हमको बहुत परेशानी हो रही है हमको खाने से परेशानी पानी से परेशानी पानी तो चार पूरी मिल रही है चार बच्चे धीरे बोलो
चीनी 50 रुपए किलो, आटा 40 रुपए किलो, इसी जगह मध्य प्रदेश के सागर से रोजी रोटी की तलाश में मथुरा आए दो दर्जन परिवारों की हालत दयनीय है, जो कई दिनों से भूखे प्यासे व्याकुल नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी ओर से लापरवाह नजर आ रहा है। सर हम लोग 7-8 दिन से पड़े हैं, काम भी नहीं लग रहा, भूखे प्यासे पड़े हैं, और अब लोग जाना चाहते हैं, 10-12 लोग रह रहे हैं, 8-10 दिन से परेशान है, मजदूरी भी नहीं लग रही है। खाने पीने की क्या व्यवस्था रही है आप लोगों? कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम पी गए हैं, आज ही मिला है, लोग आए थे गाड़ी वाले, मैंने दिलाया है, इन लोगों ने दिलवाया है। क्या नाम है आपका? राजू नाम है सर। नगर निगम के कर्मचारी हूँ। नगर निगम के जी सर, मैंने की हालत देखी, भूखे थे तो मैंने सुबह इनको 15 किलो आटा और 5 किलो आलू, जितनी मेरी क्षमता थी वो इनको मैंने अपनी जेब से। हाँ जी, अपनी जेब से, सरकारी ओर से नहीं, नहीं किसी से 1 रुपया नहीं लिया। नगर निगम कर्मचारियों की ओर से क्या व्यवस्था है? सर व्यवस्था ये है, वहाँ से जैसे आया मिलता है वो इनको पहुँचाया जाता है, ये तो मैंने अपनी जेब से दिया था। सरकार और प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन इन मजदूरों की जिंदगी भुखमरी के चलते दांव पर लगी हुई है। अगर सरकारों ने इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया तो कोरोना से मरने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन भुखमरी से मरने वालों का आंकड़ा इतना हो जाएगा कि उनकी गिनती करना भी संभव नहीं होगा।